हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सेशन इंस्पेक्टर की भर्ती के बारे में। आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में टैक्सेशन इंस्पेक्टर की भर्ती पर जो कोर्ट केस था उसकी सुनवाई थी। आज की सुनवाई में क्या रहा, बच्चों के कमेंट आते थे कि सर टैक्सेशन इंस्पेक्टर पर एक वीडियो बना दीजिए, तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को इस पर जो केस हुआ है उसका केस नंबर दिया और उसकी हेल्प से ही मैं आपको ये वीडियो, आप तक ये अपडेट, ये न्यूज़ दे रहा हूँ। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने उस दोस्त का, कमेंट के थ्रू ही उन्होंने मेरे को केस नंबर दिया था। मैं बार बार फिर से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताऊँगा कि आज सुनवाई में क्या रहा, क्या नेक्स्ट डेट मिली है, कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है। उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और आगे की अपडेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज कोर्ट नंबर 25 में हमारा केस लगा था जस्टिस राजीव नरेंद्र रैना के पास। सीरियल नंबर 260 था और केस की सुनवाई चल रही थी और केस नंबर है हमारा CWP 28635/2017। केस ईयर है, तो केस ईयर 2017 है और केस नंबर है 28635। तो दोस्तों, जो केस किया है वो किया मोहम्मद इरशाद जी ने वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। एडवोकेट नेम है मोहम्मद अरशाद। तो दोस्तों, इसकी आज सुनवाई थी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में 13 जुलाई 2018 को। और इसकी जो नेक्स्ट डेट है दोस्तों, वो मिल गई है हमें नोटिस ऑफ मोशन 30/7/2018 इसकी नेक्स्ट डेट मिली है नोटिस ऑफ मोशन के साथ। यानी कि अगर सरकार चाहे तो अर्जेंट में इसकी हियरिंग ले सकती है। सरकार से एफिडेविट मांगा गया है, जब सरकार वो एफिडेविट तैयार कर लेगी, वो रिपोर्ट तैयार कर लेगी, वो किसी भी समय जो है कोर्ट में इसे सबमिट करा सकती है। अब मैं बता दूं, आप पूछेंगे कि सर ये कोर्ट केस होने का क्या कारण है। सर, ये कोर्ट केस होने का मुख्य जो कारण है वो एक क्वेश्चन के आंसर में दिक्कत थी। HSC उसका आंसर कुछ और बता रहा है और कैंडिडेट इसका आंसर कुछ और बता रहा है। पिछली आंसर की के मुताबिक HSC ने पहले ही क्वेश्चन का आंसर वही माना था जो आंसर कैंडिडेट ने दिया है, लेकिन इस एग्ज़ाम में जो हमारा कर्मचारी चयन आयोग है आंसर कुछ और मान रहा है जो पिछली परीक्षा में नहीं था। तो दोस्तों, यानी कि इससे हम समझ सकते हैं कि कर्मचारी चयन आयोग का कोई स्टैंड नहीं है, वो अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग आंसर बदलता रहता है। सेम क्वेश्चन के लिए वो अलग अलग आंसर सेलेक्ट करता है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों, आज ये कोर्ट में सुनवाई थी, कोर्ट में क्या हुआ, क्या नेक्स्ट डेट मिली है, क्या केस नंबर था, किसने केस किया, मैंने बता दिया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ठीक ठाक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो आप इसी प्रकार से चैनल को प्यार देते रहिए और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए आपको। और दोस्तों, हो सके तो इन्फॉर्मेशन भी दें, आपके सहयोग की काफ़ी ज़रूरत है वीडियो बनाने में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।